गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2018 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म लाया हूं, जिसका नाम है बैक रोड्स। ये एक ट्विस्टेड फैमिली की कहानी है, जहां भाई बहन अपना सर्वाइव के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं, और भाई बहन अपना कम्फर्ट के लिए एक दूसरे से वो जो करते हैं। आप ही देखें आगे क्या होता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस मूवी की शुरुआत साल 1993 में पेंसिल्वेनिया में होती है। बोनी अल्टमायर नाम की एक महिला ने अपने अपमानजनक पति की हत्या कर दी। चूंकि उसे हत्या के लिए जेल भेजा गया है, इसलिए परिवार के सबसे बड़े बेटे हार्ले को अब अपनी तीन छोटी बहनों 16 साल की एम्बर, 12 साल की मिस्टी और 6 साल की जोडी की देखभाल करनी है। हार्ले अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कॉलेज जाना चाहता है, लेकिन चूंकि उसे अपनी बहनों की भी देखभाल करनी होती है, इसलिए वो बिलों का भुगतान करने और अपने भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए डेड एंड जॉब करता है। चूंकि उनकी रात की शिफ्ट है, वो एम्बर को मिस्टी और जोडी की देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन अम्बर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी एक लड़के के साथ डेट है। उसके ऊपर वो यह कहकर हार्ले का अपमान भी करती है कि वो अपने जीवन में खुशी के लायक नहीं है। हार्ले कोई जवाब नहीं देता और मिस्टी और जोडी के साथ डिनर करने चला जाता है। फिर वो एक सुपरमार्केट में काम के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कैली मस से होती है, जो एक विवाहित महिला है जो पास में ही रहती है। उस रात बाद में हार्ले काम से घर लौटता है। मिस्टी और जोडी सो गए हैं, लेकिन अम्बर अभी भी घर नहीं लौटा है। बाद में लिविंग रूम से कराहने की आवाज़ सुनकर हार्ले जाग जाता है। वो देखने जाता है, तब एम्बर ने सोफे पर एक अजनबी के साथ गपागप करते हुए देखता है। इससे हार्ले इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बाहर जाता है और अजनबी को डराने के लिए हवा में कुछ गोलियां चलाता है। तब मिस्टी और जोडी भी जागते हैं और देखते हैं कि हार्ले और एम्बर बाहर बहस कर रहे हैं। अजनबी के जाने के तुरंत बाद हार्ले ने सोफे में आग लगा दी है। अगले दिन हार्ले और जोडी जेल में अपनी माँ से मिलने जाते हैं। बोनी को अपने पति को मारे हुए 2 साल हो चुके हैं और ये पहली बार है जब हार्ले जेल में अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो मिस्टी को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस्टी और जोडी ट्रक में एक दूसरे से लड़े। एम्बर के लिए वो बस परवाह नहीं करती है। हार्ले का मानना कि उसकी माँ जेल में रहना चाहती है और उनके पास वापस नहीं जाना चाहती। अचानक हार्ले को पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में वो एक चिकित्सक से मिलने जाता है, जिसे अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है। थेरेपिस्ट नोट करता है कि हार्ले को लगता है कि उसकी माँ उससे ज्यादा लड़कियों की परवाह करती है। उनका तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियां गर्भवती हो सकती हैं, जबकि लड़के आसानी से दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो कभी किसी लड़की को गर्भवती करता है तो वो उससे शादी कर लेगा। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। हार्ले और उसकी बहनों का बचपन बहुत खराब था, क्योंकि उनके पिता उन्हें पीटते थे और गाली देते थे। जब चिकित्सक अपने पिता के बारे में अधिक प्रश्न पूछना शुरू करता है, तो हार्ले अजीब हो जाता है और अचानक वहां से चला जाता है। फिर वो कैली की बेटी इसमें के साथ खेल रहे जोड़ी को लेने के लिए कैली के घर जाता है। उसके बाद एक रात हार्ले काम से घर लौटता है और अपनी बहनों के साथ रात के खाने के लिए जाता है। वो उसे बताते हैं कि कैली ने कुछ देर पहले आई थी और आपके लिए एक दिए है। आदमी में एम्बर ने ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करती है, लेकिन हार्ले यह कहते हुए मना कर देता है कि उसके पास 2 लोगों के बीमा के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। एम्बर फिर हार्ले को अपनी एक दोस्त के साथ डेट पर जाने का मौका देती है, लेकिन जब हार्ले को पता चलता है कि उसकी सहेली केवल 16 साल की है, तो हार्ले स्पष्ट रूप से मना कर देता है। एक रात सुपरमार्केट में काम करते हुए हार्ले फिर से कैली से मिलता है। वो कुछ पेंटिंग के बारे में बात करते हैं और पता चलता है कि वो दोनों का इंटरेस्ट सेम है। एक दिन चाचा माइक, उनके पिता का भाई, उनसे मिलने आता है। उनके पिता की ओर से वो इकलौते हैं जो अब भी उनकी देखभाल करते हैं। बाकी रिश्तेदारों ने उनके साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं, क्योंकि वो बोनी से नफरत करते हैं। एक रात हार्ले आधी रात को उठता है और सीधे कैली के घर जाता है। उसे एक और चिंता का दौरा पड़ रहा है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। वो जंगल में चला जाता है और कैली उसके पीछा करती है। कैली हार्ले को आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपने कपड़े उतार देता है और जंगल में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हार्ले उठता है और देखता है कि कैली चली गई है। तो बाद में उस रात काम पर वो कैली का सामना करता है। वो उससे इस तरह जाने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उन्हें गपागप नहीं करना चाहिए था, और पता चलता है कि वो भी हर संभव हार्ले को मदद करना चाहती है, इसलिए वो काम के बाद उसे अपने घर आने के लिए बोलती है। क्योंकि उसका पति अब शहर से बाहर गए हैं, इसलिए अपना काम खत्म करने के बाद हार्ले सीधे कैली के घर जाता है। और कैली भावनात्मक और शारीरिक रूप से हार्ले की मदद करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ फिर से संबंध बनाने का फैसला करती है। अगली सुबह हार्ले घर लौटता है और उसे पता चलता है कि मिस्टी को $1,000 मिल गए हैं, जिसे उनकी माँ चुपके से बचा रही थी। हार्ले विनम्रता से मिस्टी से उसे पैसे देने की मांग करता है, लेकिन एम्बर उसे थप्पड़ मारती है और उससे पैसे छीन लेती है।
वो चाहती है कि हार्ले उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिलाए, लेकिन हार्ले ने यह कहते हुए फिर से मना कर दिया कि उसे घर के लिए कर चुकाने की जरूरत है। तब एम्बर गुस्सा हो जाती है और हार्ले को शाप देती है। तब निराश होकर हार्ले कैली के घर लौट आता है और उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए उसके साथ फिर गपागप करता है। दोनों अपने अफेयर को जारी रखते हैं और जब भी और जहां भी संभव हो गपागप करते रहते हैं। एक दिन थेरेपिस्ट के साथ सत्र के दौरान हार्ले ने चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करता है। चिकित्सक जानता है कि ये कहां जा रहा है और हार्ले से सवाल करता है कि क्या मिस्टी का कभी उनके पिता द्वारा यौन शोषण किया गया था। हार्ले इससे इनकार नहीं करते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पिता मिस्टी का यौन शोषण करते थे। जहां तक की बात है, उसके साथ वास्तव में कभी अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उसने कभी भी उसके प्रति कोई प्रगति नहीं की। चूंकि एम्बर और हार्ले दोनों के साथ उनके पिता द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, चिकित्सक हार्ले से सवाल करता है कि क्या एम्बर कभी उसे बेहतर महसूस कराना चाहती थी। हार्ले इस सवाल से असहज हो जाता है और अचानक चला जाता है। जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि एम्बर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए घर से जा रही है। वो एम्बर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाती है। बाद में हार्ले जोडी से पूछता है कि उसको ऐसा क्या हुआ कि एम्बर ने अचानक घर छोड़ने का फैसला किया। जोडी ने खुलासा किया कि उसने एम्बर और मिस्टी को हार्ले के बारे में कुछ बहस करते हुए सुना, जिसके बाद एम्बर वास्तव में पागल हो गई। और जोडी आगे कहती है कि उन्हें जंगल में मिस्टी का खून से भरे एक कपड़ा मिला, जिसे उन्होंने अपने पिता की हत्या के दिन पहनी थी। तब हार्ले को पता चलता है कि उस दिन मिस्टी उनके पिता और माँ के साथ थी। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके पिता मिस्टी को सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे और उन्होंने उस दिन उसे गोली मार दी। उसे गिरफ्तार होने से रोकने के लिए बोनी ने दोष लिया होगा और इसके बजाय गिरफ्तार हो गया होगा। तो अगले दिन हार्ले अपनी माँ से मिलने जाता है। वो उसे पिछले कुछ दिनों में हुई हर बात बताता है। फिर हार्ले उससे पूछता है कि उसने मिस्टी की रक्षा क्यों की और हत्या के लिए दोष लिया। उनका मानना कि बोनी उनसे प्यार नहीं करते और जेल में रहना चाहते हैं, लेकिन बोनी ने खुलासा किया कि मिस्टी ने कभी उनके पिता को गोली नहीं मारी। इसके बजाय मिस्टी उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उनके पिता रास्ते में आ गए। मिस्टी को बोनी से जलन होती थी और वो अपने पिता के जीवन में अकेली लड़की बनना चाहती थी, और वो अपने पिता से प्यार करती थी और सोचती थी कि उसके पिता द्वारा किया गया सेक्सुअल अब्यूज को ही प्यार समझती थी। इस बात सुनकर हार्ले तबाह हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे इतना कुछ चल रहा था। उस रात बाद में वो कैली के घर उसके साथ गपागप करने जाता है, लेकिन कैली उसे बताती है कि वो जब चाहे तब उसके घर नहीं आ सकता, खासकर जब उसका पति आसपास हो। वो एक 19 साल के लड़के को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करके अपने वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करना चाहती है। उसके बाद एक रात एम्बर सुपरमार्केट में हार्ले से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो अपने नए प्रेमी के साथ स्थायी रूप से शहर छोड़ के जा रही है। तब हार्ले ने उसकी आंख पर चोट के निशान को नोटिस किया और उससे पूछा कि क्या वो बाहर जा रही है क्योंकि उसका प्रेमी उसे मारता है। वो एम्बर से ये भी पूछता है कि अगर वो उसे भी मारता है तो क्या वो रुकेगी। एम्बर खुश हो जाती है और हार्ले से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ वापस घर आ सकती हूँ, जिसके लिए हार्ले हाँ कहता है। इसलिए एम्बर अपने प्रेमी से संबंध तोड़ लेती है और हार्ले के साथ घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह जब हार्ले उठता है तो वो एम्बर को अपने अंडरगारमेंट्स में बगल में लेटा हुआ देखता है और भयभीत हो जाता है। एम्बर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्ले उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाता है। तब ये पता चला है कि हार्ले और एम्बर कल रात इंटीमेट हुए थे, क्योंकि हार्ले ने सोचा था कि वो कैली के साथ गपागप कर रहा था। और एम्बर जो उसे चिल्लाती है कि कैली उससे प्यार नहीं करती, न कि जिस तरह से वो उससे प्यार करती है। हार्ले इस घटना से भयभीत है और सीधे थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो बताता है कि जब वो बच्चे थे तो एम्बर उन्हें छूता था। वो उसके बिस्तर पर आती और उसकी वेनी को छूती है, जैसे वो अपने पिता से डरती थी। लेकिन हार्ले ने उसे रहने दिया क्योंकि वो भी उससे डरता था। थेरेपिस्ट बताता है कि उसे या एम्बर में कुछ भी गलत नहीं है। वो आराम के लिए एक दूसरे की ओर मुड़कर गाली गलौज पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब हार्ले घर लौटता है तो मिस्टी उसे बताती है कि उसने एम्बर के साथ उसकी लड़ाई सुनी। मिस्टी कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि एम्बर और हार्ले के बीच क्या होता है, क्योंकि वो सभी एक जैसे हैं। वो आगे कहती है कि उनके पिता ने उनसे कभी प्यार नहीं किया, उस तरह से नहीं जिस तरह उन्होंने अपनी माँ से प्यार किया। वो उनकी माँ की जगह लेना चाहती थी, क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ को कभी नहीं मारा। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो उसे वो देती जो वो चाहता है तो वो उसे गाली नहीं देता। बाद में हार्ले जंगल में कैली से मिलने जाता है, लेकिन उसकी लाश को देखकर डर जाता है। ये पता चला है कि एम्बर ने हार्ले की राइफल से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो कैली से जेलसी महसूस करती थी और उसे डर था कि वो हार्ले को उससे दूर ले जाएगी। वो चाहती थी कि हार्ले उसकी देखभाल उसी तरह करें जैसे वो बचपन से करता था। बाद में एम्बर को बचाने के लिए हार्ले खुद को कैली की हत्या के लिए तैयार करता है। इंटरोगेटर हार्ले के बयान पर संदेह करता है और ये नहीं मानता कि उसने कैली को मार डाला।
लेकिन हार्ले अपने बयान को दोहराता है और इंटरोगेटर से उसे जेल भेजने के लिए कहता है। सबसे पहले हार्ले कभी अपनी बहनों की देखभाल नहीं करना चाहता था और उन्होंने अपने माता पिता को उनकी हालत के लिए दोषी ठहराया, लेकिन परिवार के बारे में भयानक सच्चाई जानने के बाद हार्ले ने जिम्मेदारी लेने और अपनी बहनों की हर कीमत पर रक्षा करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब अपने जीवन का सैक्रिफाइस करना हो। जहाँ तक मिस्टी और एम्बर का सवाल है, वे अंकल माइक के साथ चले जाते हैं जो अब बच्चों के कानूनी अभिभावक बन जाते हैं। तो ये थी बैक रोड की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।